देखो प्यार, फीलिंग, तुम्हारी तकलीफ जो तुम्हें उसे बता रहे हो, जो उनके सामने तुम रो रहे हो, उनसे कभी भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑटोमेटिकली समाज में, सोसाइटी में, तुम्हारे करियर में अगर तुम कुछ बेहतर करते हो, तुम उससे आगे जाते हो, तो ऐसे लोग सामने से आएंगे तुम्हारे तलवे झाड़ने के। अगर किसी ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया है और उसके बाद भी आज भी तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके लिए रो रहे हो, तो तुम दुनिया के सबसे कमज़ोर लोगों में से एक हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में। जब वो चाहता है तब तुम्हें खुश कर सकता है, जब वो चाहता है तब तुम्हें रुला सकता है, तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसमें तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हें पूरी तरह से कोई और कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे तुम पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हो। ये सिर्फ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अपने खुद के दिल के ऊपर हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए कि आप क्या बन के रह गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपको अपने आप पे तरस आने लगेगा, आप अपने आप को बिल्कुल ही मामूली समझने लगोगे। क्योंकि बार बार ठुकराने के बाद भी आप उसे प्यार करते हो, बार बार ठुकराने के बाद भी आप उस इंसान की इज्जत करते हो, उसे पाना चाहते हो, उनके चरणों में रहना चाहते हो। पर वो इंसान तुम्हें बार बार ठुकरा रहा है, क्या इसके बारे में सोचा है कभी तुमने कि वो इंसान तुम्हारे प्यार को क्यों ठुकरा रहा है? इसका रीज़न है कि तुम्हारे पास है ही क्या। तुम्हारे पास ईमानदारी हो सकती है, तुम्हारे पास उसके लिए फीलिंग हो सकती है, तुम्हारे पास उसके लिए सच्चा प्यार हो सकता है। तो आज के समय पे लोगों को उनकी कोई पड़ी नहीं, उनको सच्चा प्यार नहीं चाहिए, उनको लॉयलिटी नहीं चाहिए, उनको आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास उनके लिए फीलिंग है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फीलिंग होने के कारण वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, तो नहीं, तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें ऐसा सोचना भी बंद कर देना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं, ऐसे लोग तुम्हारे तलवे कैसे छाटेंगे। सबसे पहली बात, जिस तरह से तुम किसी के लिए तरस रहे हो ना, ऐसे लोग भी किसी ना किसी के लिए तरसते होते हैं, जहाँ पे उनकी हालत भी बिल्कुल तुम्हारे तरह होती है और वो तुम उनसे करवा सकते हो। एक समय तुम उनके सामने ऐसा लाकर खड़ा कर सकते हो जहाँ पे वो तुम्हारे सामने तुम्हारे तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ सोचो कि दुनिया में लोग कैसे लोगों को पसंद करते हैं, कैसे लोगों को पाना चाहते हैं, कैसे लोगों को इम्प्रेस करने की हमेशा कोशिश करते हैं। एक ही आंसर मिलेगा कि लोग खुद से बेहतर, खुद से स्मार्ट और खुद से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को पाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की प्यार की भीख मांगते हैं। अगर तुम रियल में चाहते हो कि जो पर्सन तुम्हें ठुकरा के गया है वो एक दिन तुम्हारे तलवे चाटे, तो तुम्हें अपनी लाइफ में उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल होकर दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में शायद ये भ्रम बैठ गया होगा कि उस व्यक्ति ने मुझे ठुकरा दिया, इट मीन मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना मैं स्मार्ट हूँ, ना मैं खूबसूरत हूँ, मुझमें कुछ नहीं, इसीलिए तो उसने मुझे ठुकरा दिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में दूसरा होगा भी नहीं। जो तुम में है वो दूसरों में नहीं हो सकता। तुम अपनी जगह पे बिल्कुल भी परफेक्ट हो, लेकिन अपने बारे में ये झूठे भ्रम निकाल दो, यू आर द बेस्ट, और उसके बाद अपने आप को पसंद करना शुरू करो। इससे क्या होगा कि आप खुद की केयर ज़्यादा करोगे, खुद के बारे में सोचोगे। खुद के बारे में सोचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, उनके बारे में सोच रहे थे, उनका ख्याल रख रहे थे। सबसे पहले खुद के बारे में सोचो, स्वार्थी जितना बन सकते हो उतना बन जाओ, ये तुम्हारे फायदे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप अपनी केयर करोगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद तुम्हारा जो लेवल है, तुम्हारी जो लाइफ है, वो उस इंसान से कहीं बेहतर होगी जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था। वो मजबूरी होगा तुम्हारे तलवे चाटने के लिए। देखो प्यार, फीलिंग, तुम्हारी तकलीफ जो तुम्हें उसे बता रहे हो, जो उनके सामने तुम रो रहे हो, उनसे कभी भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑटोमेटिकली समाज में, सोसाइटी में, तुम्हारे करियर में अगर तुम कुछ बेहतर करते हो, तुम उससे आगे जाते हो, तो ऐसे लोग सामने से आएंगे तुम्हारे तलवे चाटने के। इसीलिए आज से उनके सामने रोना बंद कर दो, आज से उनके सामने अपनी फीलिंग की भीख मांगना बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, खुद की केयर करो, खुद के लिए क्या सही है उसके बारे में सोचो और अपने करियर पे ध्यान दो और उनसे भी अच्छा बन के दिखाओ। अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हो ना, तो तुम्हें ठुकराने वाले क्या, उनसे भी हज़ार गुना बेटर लोग तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे। फिर से बताता हूँ, इस दुनिया में प्यार, आपकी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। लोग ऐसे लोगों को ही पसंद करते जो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच।